इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इंडिया अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहता है, और जाहिर तौर पर मैच जब दिल्ली के मैदान पर हो, यानी कि विराट कोहली के होम ग्राउंड में हो, तो आप जो हमेशा से कहते आए हैं कि ये वर्ल्ड कप जो है विराट कोहली का होने वाला है, तो वो आज बात सच या फिर स्टार्ट करने वाली है? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जितना भी मैच इनिंग सारी खेली विराट ने, और अगले दिन सुबह चेन्नई में वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो जब अरुण जेटली स्टेडियम का जिक्र हुआ तो बहुत इमोशनल हो गया। उनके नाम पे जो यहाँ पे एक स्टैंड बनाया गया है, और ये बहुत कम होता है कि कोई भी क्रिकेटर रिटायर ना हुआ और उसके नाम पे एक स्टैंड हो, तो वो कह रहे थे कि जब मैं बैटिंग करने जाऊंगा तो बहुत इमोशनल क्षण होंगे और वो सारे फ्लैशबैक मोमेंट्स उनके जहन में आते जाएंगे, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपने रणजी का डेब्यू किया, यहीं पर वो तमाम यादगार पारियां उन्होंने खेली। और देखिए, जब आपका इमोशन कनेक्ट होता है और अच्छे फॉर्म में आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि विराट कोहली के बैट से हम एक बड़ा शतक देखें। और अपने ठीक पीछे से देख रहे हैं, यहाँ से कई डेज पहले मेन एंट्री होती थी, अब आगे एंट्री थोड़ी हो गई, थोड़ा चेंज है, थोड़ा तिरंगा विरंगा आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा इंटीरियर किया गया वर्ल्ड कप के लिए, तो बड़ी तैयारी है और बड़ा मुकाबला भारत के लिए रही है। 2 अंक जीतेंगे और 4 अंकों के साथ वो पॉइंट टैली में टॉप करने की स्थिति में होंगे। बिल्कुल, और आपको पता है हमारी टीम जो है अलग अलग जगहों पर जाकर पब्लिक रिएक्शन ले रही है, विराट कोहली के नाम पर हर कोई ये बेट लगाने को तैयार है कि विराट कोहली ही जिताएंगे इस बार वर्ल्ड कप, और विराट कोहली की फैन फॉलोइंग तो हम सब बातों की। तो एक एंड नोट इंडिया के लिए आपकी तरफ से क्या? देखिए, विराट कोहली का वर्ल्ड कप हम सब कह रहे हैं, और हमने एक टैगलाइन भी दिया था कि विराट का वर्ल्ड कप है, हमारे देश का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। कुछ इसी टैगलाइन के साथ हिंदुस्तान की टीम भी आगे चल रही है, सामने अफगानिस्तान की टीम है। वैसे तमन्ना कह रही है एंड नोट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ इमोशनल मेरे लिए भी लम्हे हैं, जब मैंने यहाँ पे मैचेस कवर किए, मैं यहाँ खेला भी हूँ यहाँ पर, तब यहाँ की कायाकल्प कुछ और थी। अभी जो तस्वीरें हम सब देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से स्टेडियम को सजा दिया गया है, और ऐसा लग रहा है मानो दुल्हन की तरह स्टेडियम को सजाए। मैं अभी अंदर तो गया है और मैं स्तब्ध रह गया थोड़ी देर के लिए, म्यूजिक भी चल रही है। तो यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जो हम सब ने देख जीते हैं और हम सब ने देखे हैं, तो अब एक और बड़े मुकाबले के लिए हम सब तैयार हैं, बड़े मुकाबले के लिए और पूरे जोश के साथ, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया की जमीन पर है, तो इंडिया का तो वर्ल्ड कप लाना बनता ही है। और राजीव, जिस तरह से रोशनी आ रही है ना मेरे कहने से, मुझे लग रहा है भगवान ऊपर से इशारा कर रहे हैं कि हाँ तुम सही बोल रही हो, ये वर्ल्ड कप इंडिया का ही होगा। आप मुझे बताइए, इतने सारे वर्ल्ड कप आपने कवर किए हैं, इतने सारे ODIs आपने कवर किए हैं, जब इस मैदान की बात आती है तो ये मैदान बाकी मैदान कैसे हटके? देखिए, यहाँ पर एक तो भारतीय स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, पिछला मैच आप याद करें वर्ल्ड कप में तो बल्लेबाजों की चादरी 4 विकेट ने बना दिया। अब स्पिनर्स की बात करें तो अफगानिस्तान के बाद भी बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन भारत के जो स्पिनर्स हैं क्वालिटी स्पिनर्स और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वो चाहे रविंद्र जडेजा आप देख लें, कुलदीप यादव या अश्विन हो, तो मुझे लग रहा है अफगानिस्तान के स्पिनर वर्सेज भारत के स्पिनर मुकाबला है। लेकिन एक स्पिनर हमेशा जहन में आते हैं और वो स्पिनर है, इसी मैदान में 10 विकेट ली थी, ये वही मैदान है जहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने कई ऐतिहासिक पारियाँ खेली हैं, सुनील गावस्कर ने कई ऐतिहासिक पारियाँ खेली हैं, और कई बड़ी बड़ी जीत भारतीय टीम ने इस मैदान पर हासिल की है। तो मुझे लग रहा है जब आप एक ऐसे मैदान पर आते हैं जो कम्फर्ट जोन है, यानी यहाँ पर जीत ही जाएगी, जिस टाइप के कुछ माहौल के साथ आते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे तो वो 2 अंक दिखाई पड़ रहे हैं। आप अच्छी क्रिकेट खेलो, अफगानिस्तान को हल्के में मत लो, और जैसे कि तमन्ना ने ब्लू जर्सी पहनी है, मैन इन ब्लू मैदान पे जाए और चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, ये पता चल गया कि हर कोई इंडिया को सपोर्ट करेगा ही। लेकिन आप विराट कोहली के फैंस बहुत ज़्यादा हैं, विराट कोहली का नाम वहाँ पर है, चाहे वो लूज की बात हो चाहे वो खेल की बात हो। आप मुझे बताइए, विराट आज इस तरह की पारी मैच वो भी इंडिया बना चुका है, इस तरह की पारी से सबको हैरान करने वाले। देखिए, एक तो पारी हमने देखी के खिलाफ और हम उम्मीद कर रहे थे क्या छूटना, लेकिन अब मैच में मैच अगर रिजल्ट मायने रखता है, मैच जिता दिया उन्होंने, और अभी क्योंकि 8 मैचेस और हैं, मुझे लग रहा है 8 मैचों में कम से कम 2 शतक अगर आता है, 3 शतक आते हैं तो 50 शतक हो जाएंगे, क्या पता सेंचुरी नंबर 48 हम छोड़ते ही यहाँ पे देखें और जेटली देखें, हम देखें और आपको भी दिखाएं। जो ज्ञान इनसे आपको मिलेगा ना, वो वाकई हो सकता आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने वाला है, और ये ज्ञान बिल्कुल आजकल क्रिकेट करते हैं तो आप क्रिकेट यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैच देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, और साथ ही साथ ये बोलते रहिए, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा।